भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली महारत्न कंपनी एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक उपक्रम है। कोयला, गैस, विंड, हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर आधारित अपने विद्युत संयंत्रों के साथ एनटीपीसी देश की एकीकृत विद्युत कंपनी है। बाढ़ परियोजना वर्तमान में 660 मेगावाट की दो इकाइयों से विद्युत उत्पादन कर बिहार की कुल विद्युत आवश्यकताओं की लगभग एक चौथाई विद्युत की आपूर्ति कर रही है। एनटीपीसी बाढ़ बिहार में स्थापित होने वाला पहला सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन है। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अपनाने के कारण पर्यावरण मानकों का पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है। सस्पेंडेड पार्टिकल एमिशन होता है चिमनी के द्वारा। आपने यहाँ पर जो डॉम्स दिया हुआ है 50 ppm रहता है, उसमें आपने आज के दिन में 10 से 12 ppm से मेंटेन होता है। बाकी रहा राख, राख का 80% राख हम इस्तेमाल कर लेते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिक और हाईवे में। तीसरा आता है कि जो लिक्विड जितने भी आपने यहाँ से होते हैं वो बाहर नहीं निकले, बाहर का पानी को कहीं प्रदूषित नहीं करें, इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और जितने भी पानी अंदर में है ये उसको रिसाइकल किया जाता है। चौथा है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं। इस साल 40,000 वृक्षरोपण किया गया है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से बिहार के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति भी की जाती है। इस महत्वाकांक्षी मेगा विद्युत परियोजना की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 6 मार्च 1999 को रखी गई थी। हालांकि इस विशाल परियोजना को साकार रूप देने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दूसरा चरण सन 2016 में पूर्ण हुआ और विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया। गंगा नदी के तट पर स्थित बाढ़ परियोजना अपनी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति गंगा नदी से करती है। संयंत्र में प्रयुक्त होने वाले कोयले से उत्पन्न राख के निस्तारण के लिए ड्राई एश कलेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जिससे निकलने वाली राख को विभिन्न उद्योगों और निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा रहा है। अपने कर्मचारियों और श्रमिकों की सुरक्षा एनटीपीसी बाढ़ का मूल मंत्र है। संयंत्र में श्रमिकों और सामग्री के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक सावधानियां बरती जाती हैं। कार्यस्थल पर सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों के साथ साथ अनुबंधित श्रमिकों को भी सुरक्षा प्रशिक्षण देकर जागरूक बनाया जाता है। साथ ही काम के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। बाढ़ विद्युत संयंत्र के समर्पित और दूरदर्शी नेतृत्व ने अपने कर्मचारियों के बीच एक ऐसी सामंजस्य और कार्य संस्कृति को विकसित किया है जिसके फलस्वरूप बाढ़ परियोजना दिनों दिन उच्चतम विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर रही है। गर्व होता है बोलने में कि लास्ट ईयर में अपना जो प्रोडक्शन था और अभी तक इस साल के 2018 का जो 6 मंथली प्रोग्रेस है उसमें एनटीपीसी पूरे एनटीपीसी में पीएलएफ में 6वां स्थान है और अवेलेबिलिटी फैक्टर में 2nd स्थान है। 3,196 एकड़ में फैली इस परियोजना में कर्मचारियों के रहने के लिए उत्कृष्ट टाउनशिप का निर्माण किया गया है। यहाँ स्कूल, चिकित्सालय, महिलाओं और बच्चों के लिए महिला मंडल, बाल भवन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। टाउनशिप से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए कंपोस्ट खाद के निर्माण की व्यवस्था भी की गई है। क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास एनटीपीसी बाढ़ के कार्य निष्पादन की मूल भावना रही है
और इसी मार्ग पर चलते हुए एनटीपीसी बाढ़ ने परियोजना के आसपास के क्षेत्र में यहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार और उनके टिकाऊ विकास के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। आसपास के गांव में विद्यालयों का भवन निर्माण, युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक भवन का निर्माण, आसपास के इलाके में सड़कों का निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल का वितरण, ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व दवाइयों के वितरण आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एनटीपीसी बाढ़ के लिए बाढ़ का हर निवासी परिवार के सदस्य की तरह है। एनटीपीसी इनके प्रति अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। एनटीपीसी श्रृंखला की महत्वाकांक्षी मेगा पावर परियोजना एनटीपीसी बाढ़ ने अपनी यात्रा के दौरान अनेक मापदंड स्थापित किए हैं। दूसरे चरण से प्राप्त सफलता से निश्चित ही विश्वास हो जाता है कि इसके प्रथम चरण के पूर्ण होते ही न केवल बिहार राज्य बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति प्राप्त होगी। साथ ही एनटीपीसी बाढ़ पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में सशक्त पहल करते हुए एक जिम्मेदार और विश्वसनीय विद्युत गृह साबित होगा।